रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं एसके मिश्रा, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग सीपीपीएस रांची यूनिवर्सिटी से। आज हम रीजनिंग के सिलोलिज्म पार्ट के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले बार बताया था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन का अर्थात सेंटेंस को हम लोग प्रोपोजिशन कहते हैं और इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स। दिस इज प्रोपोजिशन ए सिंस वी कैन नॉट से ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक्स because it distributes only the subject. The predicate is not interchangeable with the subject while maintaining the validity of the proposition. अर्थात यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि sentence में बोला गया है all snakes are reptiles. All अर्थात universal affirmative जिसे हम लोग A से denote करते हैं। यहाँ ये पता चल रहा है कि सारे snakes reptiles हैं, लेकिन कितने रेप्टाइल्स स्नेक्स हैं इस बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसे ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक्स कहना गलत है। उसी तरह से नेक्स्ट है यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, नो बॉय इज इंटेलिजेंट। इट डिस्ट्रीब्यूट्स बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, यानी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि नो इंटेलिजेंट इज बॉय। जब कोई बॉय इंटेलिजेंट नहीं है तो कोई बॉय भी इंटेलिजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट्स नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट, या ना तो सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सम मेन आर फुलिस, कुछ व्यक्ति मूर्ख हैं। यहाँ सब्जेक्ट टर्म मेन इज यूज नॉट फॉर बट नॉट फॉर ऑल बट ओनली फॉर सम मेन। यहाँ मेन जो टर्म है यहाँ कुछ पर्सन के लिए ही बोला गया है, ना कि सब के लिए। उसी तरह से फुलिस को भी अगर हम लोग देखें तो ये प्रेडिकेट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सम में ही। नेक्स्ट है पार्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोपोजिशन अर्थात सेंटेंस को ही हम लोग प्रोपोजिशन कहते हैं। यहाँ केवल और केवल प्रेडिकेट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड। हेयर द सब्जेक्ट टर्म एनिमल्स इज यूज ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ इट्स क्लास एंड हेंस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाइल द प्रेडिकेट टर्म वाइल्ड इज डिनाइड इट इंटायरली टू द सब्जेक्ट टर्म एंड हेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कहा गया है कि सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई भी सही कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है वो केवल और केवल पर्टिकुलर हो रहा है, यानी प्रेडिकेट ओनली। जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था, कन्वर्शन, अवर्शन और एक कॉन्ट्रापोजिशन। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर ध्यान देते हैं कि किसी भी सेंटेंस को और जो कंक्लूजन है उसे हम लोग कैसे ध्यान दें। जैसा कि स्टेटमेंट दिया है, Some dogs are goats, all goats are cows. Some dogs are goats, all goats are cows. इसका कंक्लूजन है all cows are goats, some dogs are cows. यहाँ स्टेटमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेटमेंट वन जो है वो आई टाइप का सेंटेंस है जिसे कि हम लोग प्रोपोजिशन भी कहते हैं। और हमें पता है कि विच आई टाइप का जो प्रोपोजिशन होता है वह ना तो सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ स्टेटमेंट टू जो है वो ए टाइप का प्रोपोजिशन है, ऑल गोट्स आर काउ, जो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी गोट्स को केवल। और इसलिए यहाँ पे ये जो दोनों कंक्लूजन है, कंक्लूजन वन जो है वो है ए टाइप, ऑल काउ आर गोट्स विच डिस्ट्रीब्यूट द सब्जेक्ट
कर्व ओनली, और चूंकि टर्म कर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड द कंक्लूजन वन विदाउट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमिसेस, सो कंक्लूजन वन कैन नॉट फॉलो, कंक्लूजन वन फॉलो नहीं करेगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं यदि दोनों ही प्रोपोजिशन यानी दोनों ही स्टेटमेंट अगर पार्टिकुलर में हो, फॉर एग्जाम्पल सम बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर इरेजर्स, स्टेटमेंट है सम बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर इरेजर्स, कंक्लूजन दिया गया है ऑल बुक्स आर इरेजर्स, सम इरेजर्स आर बुक्स। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आई टाइप का है, इसलिए बोथ कंक्लूजन जो है वो पार्टिकुलर है, दोनों ही स्टेटमेंट पार्टिकुलर में दिया गया है, और इसलिए यहाँ पे कोई डिफिनिट कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव में हो तब क्या होगा। जैसे स्टेटमेंट है नो फ्लावर इज मैंगो, नो मैंगो इज चेरी, कंक्लूजन है नो फ्लावर इज चेरी, दूसरा कंक्लूजन है सम चेरीज आर मैंगो। चूंकि दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यदि मिडिल टर्म को दो बार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कंक्लूजन कभी भी फिर यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। जैसे स्टेटमेंट है ऑल फैंस आर चेयर, नो टेबल्स आर फैंस, कंक्लूजन है नो टेबल्स आर चेयर्स, दूसरा कंक्लूजन है सम टेबल्स आर चेयर। यहाँ फर्स्ट जो है वो ए प्रोपोजिशन है, सो मिडिल टर्म जो फैंस है फॉर्मिंग द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकेंड ई प्रोपोजिशन है सो मिडिल टर्म फैंस फॉर्मिंग द प्रिडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसलिए मिडिल टर्म इसका डिस्ट्रीब्यूटेड दो बार हो रहा है इसलिए इसका कंक्लूजन यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल नेगेटिव नहीं हो सकता है।